तो दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार, तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। दोस्तों कैसे हो आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, आज आपके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम टूल और लेके आया हूँ। जिस तरीके से हमारी XZZ टूल थी स्कीमेटिक डायग्राम्स के लिए, उसका जो ट्रायल था वो 3 डेज के लिए था, लेकिन अगर हम इस टूल की बात करें तो इस टूल का जो आपको ट्रायल मिलता है वो मिलता है आपका 7 डेज के लिए। और इस वीडियो के एंड में दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है जिसका यूज़ करके जो है दोस्तों, आप इस टूल को जितना आप चाहें उतना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है दोस्तों, आप एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो जिस तरीके से दोस्तों हमारे XZZ टूल में हमें सभी स्कीमेटिक डायग्राम्स मिल जाते थे, तो इस उसी तरीके से जो है आपको इस टूल में भी जो है सभी स्कीमेटिक डायग्राम्स आपको मिल जाते हैं। ये जो है उसका एक अपग्रेड वर्जन है। इसमें जो है आपको डाटा शीट्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि आपकी जो पावर ICs हुई, आपकी चाहे क्वालकॉम MTK हो, तो उन सब की जो है यहाँ पे आपको डाटा शीट मिल जाएगी। तो जिन भाइयों को डाटा शीट वगैरह की ज़रूरत रहती है तो वो जो है यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इस टूल को हम डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से हम DZKZ टूल को यूज़ करेंगे, जो कि स्कीमेटिक डायग्राम्स के लिए आपकी यूज़ होती है। इस टूल को यूज़ करने के लिए दोस्तों, आपके पास जो है एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपको जो है अपने एंटीवायरस जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो उसको जो है आपको डिसेबल करना होगा, क्योंकि एंटीवायरस को लगता है कि ये जो है वायरस है और वो जो है इसको डिलीट कर देता है। तो आपको एंटीवायरस को, उसका जो प्रोटेक्शन है उसको आपको कुछ टाइम के लिए रोकना होगा, जितने भी टाइम को आपको यूज़ करना है। मान लीजिए मैं फ़िलहाल 1 घंटे के लिए जो है स्टॉप कर देता हूँ वायरस प्रोटेक्शन, तो इसको मैं सिंपली ओके कर दूँगा। तो इसके बाद जो है दोस्तों, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस टूल का जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके जो है आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं, या फिर उस लिंक को कॉपी करके जो है आप क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करके और आप जो है उस लिंक पे बहुत इजीली जा सकते हैं। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एक मेगा का लिंक मिल जाएगा और आप जो है बहुत ही सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके उसको, उस टूल को जो है आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं फ़िलहाल इसको डाउनलोड अभी नहीं करूँगा। तो अब सिंपली आपको करना क्या है कि इसको जो है आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपके PC में जो है विनरार होना चाहिए, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये जो है इसका कुछ इस तरीके से फोल्डर बन जाएगा। अब सिंपली जो है इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे DZKZ का 4303, और इसको सिंपली हम रन एड एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बाद जो है दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा और इसको जो है आप थोड़ा सा टाइम दे, तो यहाँ पे साइड में अगर आप देखेंगे तो जितने भी इनके स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं वो सब यहाँ पे लोड हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, तो जैसे धीरे धीरे यहाँ पे हो रहे हैं तो वो सारे जो है लोड यहाँ पे हो जाएंगे। अब सिंपली आप अगर किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम को एक्सेस करना चाहोगे, मान लीजिए मैं इस डाटा शीट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है मेरे को जो है यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। लेकिन रजिस्टर करने का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें जो है आपको किसी तरह कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। सिंपली जो है आप एक अपना यहाँ पे यूज़र नेम बनाइए और एक पासवर्ड बनाइए और रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली लॉगिन कर दीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। और सिंपली जो है दोस्तों हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
अब जो है हम इस पे लॉगिन हो चुके हैं और अब जो है हम इस डाटा सीट को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो टूल है हमें किस किस मॉडल के जो है स्केमेटिक डायग्राम्स प्रोवाइड करती है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम, तो इसे डाटा सीट को फ़िलहाल हम रहने देते हैं। सबसे ऊपर जो दोस्तों आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आईफोन के, आईफोन तो आपको फ्री भी मिल जाता है, जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी तो उसमें आपको सब फ्री मिल रहे, तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये टूल जो है आप क्या लगभग एक वीक के लिए जो है इसका ट्रायल है, तो एक वीक तक जो है आपको जो भी इसमें चाहिए उसके जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या फिर फ़ोटो ले लेना और उससे जो है आपका काम होगा। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फ़ोन मेंटेनेंस केस, तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो है आईफोन से रिलेटेड जो है इन्होंने सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, जैसे नो लाइट केस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था आईफोन 8 का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा है, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो ये रेड हो रखा है, तो ये जो है इसका यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर है और यहाँ यहाँ से जो है इसके कनेक्शंस आ रहे हैं, तो ये कुछ इसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं। और इसमें ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा थर्ड नंबर पर, ये है चाइनीज़ मोबाइल आईसी डाटा सीट, ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें जो है आपको डाटा सीट वगैरह मिल जाए, जैसे कि आपकी ए रही 6771T मीडियाटेक की जो आईसी आती है, जो है लेटेस्ट हैं वो जो है इसमें हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ हैं, जो अगर इसमें आपको किसी की ज़रूरत हो तो आप उनके फ़ोटो वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड तो इसमें शायद नहीं होंगे, तो आप ऐसा ही करना जैसे ये सॉल्यूशन है यहाँ पे इतना, तो इस पूरे का जो है फ़ोटो ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, ये तो हमारे काम का नहीं है, एसस को देखते हैं। एसस में भी इन्होंने दिए हुए हैं कुछ, ज़्यादा तो मॉडल नहीं है लेकिन कुछ दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई मॉडल आपके पास आ जाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एमआई में देखते हैं, तो एमआई में भी इन्होंने दे रखे हैं अच्छे खासे, और देखते हैं ओप्पो में देखते हैं, तो ओप्पो में तो काफ़ी हैं, जैसे आपका है रियलमी 3 और ये ओप्पो रियलमी 1S, तो ओप्पो के तो इसमें इन्होंने काफ़ी दे रखे हैं। और वीवो में देखते हैं ज़रा, तो वीवो में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कमी है, और इसमें देखते हैं ये भी हमारे काम का नहीं है। सैमसंग में देखते हैं जी सीरीज, तो जी सीरीज में तो सभी हैं, सैमसंग वगैरह के तो ये देखते हैं हम इसमें जे सीरीज देखते हैं, तो जे सीरीज में भी काफ़ी इन्होंने दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है सैमसंग वगैरह के तो इसमें ऑलमोस्ट सभी हैं, जितनी भी आपकी सीरीज होती हैं वो तो ऑलमोस्ट हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं चाइनीज़ मोबाइल मेंटेनेंस केस, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सॉल्यूशन वगैरह दे रखे हैं, तो आप चाहेंगे तो इनको देख लीजिएगा, एक देखते हैं ओपन करके क्या आएगा। कुछ चाइनीज लैंग्वेज में जो है इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये कुछ इनका है रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड सॉल्यूशन वगैरह ही हैं, तो ये यहाँ तो इन्होंने चाइनीज में लिखा हुआ है तो ये हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको समझना हो तो आप क्या करना, ये ट्रांसलेट हो सकता है, इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, अगर आप समझना चाहो तो कॉपी करना और वो ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन दिया इन्होंने, तो इसका मुझे पता नहीं है क्या है, चलो कोई सा देखते हैं इनमें कोई स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करके, चलो हम यही देख लेते हैं ओप्पो रियलमी 3, तो लोकेशन मैप को हम ओपन करते हैं, आज जो है थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो शायद उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो है इसका फ्रंट साइड है, यहाँ से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट जो है कहाँ पे लगा हुआ है। और अब आप ये तो कमेंट में मत लिखिएगा कि मैं कैसे समझूँ इन स्कीमेटिक डायग्राम्स को, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डीप में, अभी एक वीडियो और भी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ भाई कह रहे थे कि मतलब आईसी तक हम कैसे ट्रेस करें, मान लीजिए कि
कोई पावर स्विच है आपका और पावर स्विच से जो आईसी तक की लाइन है, आईसी की किस बोल से वो लाइन आ रही है उसको हम कैसे ट्रेस करें, तो स्कीमेटिक डायग्राम में वो भी बताऊंगा मैं। कुछ भाई मेरे को कमेंट कर देते तो वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर इसको समझना हो तो आपको वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। वैसे अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कैसे स्कीमेटिक डायग्राम्स को समझते हैं। तो ये जो है दोस्तों इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, अगर आप इसको जूम करोगे तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम है इसका। यहाँ से आप जो है समझ सकते हो किसके साथ जो है क्या अटैच है, ठीक है। और जो इसके स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं वो यहाँ से हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मैंने उसमें उस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता रखा है किस तरीके से आपको ट्रैक आउट करना है, तो आप जो है उसी तरीके से बहुत इजी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि इसकी लाइन कहाँ से आ रही है और कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी एक वीडियो और भी आएगी स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर, क्योंकि उसमें अभी उस वीडियो में जैसे मैंने अभी बताया बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैं नहीं बता पाया था, तो एक वीडियो और लाऊंगा स्कीमेटिक डायग्राम को समझने के ऊपर, ठीक है। चलो और देखते हैं, इसमें Xiaomi का देख लेते हैं। Xiaomi में जैसे कि कोई भी ओपन कर लेते हैं हम MI Max 2, तो लोकेशन मैप हुआ इसका, तो ये तो जो है इसका लोकेशन मैप है, ये इसका फ्रंट साइड है। तो यहाँ से तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है और क्या उसका नाम है और किस उससे उसे टैग किया हुआ है। और इसके बाद जो ये स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक में जो है आप उस कंपोनेंट को फाइंड आउट करोगे और उससे जुड़ी जो सर्किट है उसको जो है आप देखोगे, यहाँ पे जितनी भी सर्किट है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये सब हुआ, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत से भाई आए होंगे कि जो पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे और वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर कोई भाई ऐसा है जो न्यू आया हमारे चैनल में, तो अगर आपको समझना हो ना मैंने किस तरीके से जो है इन स्कीमेटिक डायग्राम को समझा जाता है, तो पूरी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है लगभग 25 मिनट की, तो उसमें देख लेना। ये इस वीडियो में तो मैं जस्ट आपको बताना था कि ये टूल किस तरीके से काम करते हैं और आपकी हेल्प हो जाए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसे, आपके काम आ जाएगी, तो इसलिए जो है मेरे को बताना था इस टूल के बारे में आपको। बाकी अगर आपको समझना हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी DZKJ टूल, और आप कहते रहते थे मेरे को हमेशा कि हमें स्कीमेटिक डायग्राम कहाँ से डाउनलोड करें कहाँ से। अब देखिए मैंने आपको इतनी सारी जो है टूल्स दे दी हैं, अब इसमें एक तो फ्री भी हैं और दो कुछ ट्रायल भी है। वो जो है ट्रायल है उनका तरीका ये है, अगर उनको आप दोबारा से चलाना चाहते हो तो अपना एक तो VPN लगा लेना और दूसरा जो है उसमें हर बार अलग ID डाल देना, VPN लगा के अलग ID डाल देना। तो जैसे फ़िलहाल ये टूल है ना, ये टूल है, 7 दिन के बाद ये इसका ट्रायल जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो पहले तो इसकी फ़ाइल को सबको डिलीट कर देना, ठीक है। फिर VPN डाउनलोड करना अपने PC में, कोई VPN लगाना, और उसके बाद जो है इसको फिर इंस्टॉल करना और उसमें जो है अपनी जो पहली डिटेल डाली थी उस डिटेल को थोड़ा सा चेंज कर देना बस, और फिर जो दोस्तों ये टूल है 7 डेज़ के लिए आपकी फिर से एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये तरीका है, अगर 7 डेज़ तक आप इसको यूज़ करिए और फिर अगर आप आपका मन करे इसको फिर दोबारा से यूज़ करने का तो VPN लगा लेना और इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है हम मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड जो है रेगुलर वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।